भारत के महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण सम्मानित 30 साल के बिरजू महाराज ने रविवार सोमवार की रात को दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज की पोती रागिनी ने बताया कि महाराज का एक माह से इलाज चल रहा था और बीते रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान मिले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। बिरजू महाराज ने कई फिल्मों में भी काम किए। बिरजू महाराज ने देवदास, डेडिस किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन का काम किए। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीरे की फिल्म शतरंज खिलाड़ी में भी म्यूजिक दिया था। भारत के महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया और 30 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है।